अगर आप प्लान कर रहे हैं एक 55 इंच के 4K टीवी लेने के बारे में और कंफ्यूज्ड हैं शाओमी के मी टीवी और आई फैल्कन के K2A टीवी के बीच में, तो देखते रहिए इस वीडियो को आगे। आज आपका यही कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत और आप देख रहे हैं टेक रोजाना, जहां हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसे हम यूज करते हैं रोजाना। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन दिया गया है, आप पहले जाके उसे दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं अब इस वीडियो को शुरू। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप कन्फ्यूज़ हैं मी टीवी 4 और न्यूली लॉन्च्ड आई फैल्कन के 55 इंच के 4K टीवी के बीच में, तो चलिए करते हैं उन दोनों का कंपैरिजन और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है आपके लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, दोनों ही टेलीविजन जो है वो एक 55 इंच के टीवी है, 4K पैनल के साथ में आते हैं, दोनों ही में हमें HDR का सपोर्ट मिलता है, वहीं DTS और Dolby Digital साउंड का सपोर्ट भी हमें मिल जाता है। दोनों ही टेलीविजन के अंदर हमें ड्यूल वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है और जितने भी हमारे नेसेसरी पोर्ट्स हैं जैसे कि VGA पोर्ट्स, AV पोर्ट और HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, ये सभी तरह के पोर्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो ये तो थी इन सब दोनों की कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो। चलिए अब बात करते हैं अब इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट्स की ही। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि आई फैल्कन के अंदर हमें मिलते हैं 4 HDMI पोर्ट, जबकि मी टीवी में हमें मिलते हैं 3। तो एक पोर्ट HDMI पोर्ट हमें इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, वहीं इसके अंदर हमें साथ ही में 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है जो हमें मी टीवी में नहीं मिलता है। वहीं बात करें इसके इंटरनल्स की, तो इसके अंदर दोनों ही के अंदर हमें मिलता है क्वाड कोर प्रोसेसर, लेकिन मी टीवी में हमें मिलता है 2GB के रैम के साथ में 8GB का इंटरनल स्टोरेज, जबकि आई फैल्कन में हमें मिलेगा 2.5GB रैम के साथ में 16GB का इंटरनल स्टोरेज। अब बात करें इनके साथ मिलने वाले रिमोट्स की, तो मी टीवी में हमें मिलता है एक 11 बटन का रिमोट जिसका इंटरफेस जो है बहुत ही सिंपल है और इजी टू यूज है, जबकि TCL में हमें मिलते हैं 2 रिमोट। एक हमें मिलता है फुल फ्लैज रिमोट हमारे टेलीविजन के लिए और दूसरा हमें मिलता है एक स्मार्ट रिमोट जो कि अगेन एक ब्लूटूथ रिमोट है मी टीवी की तरह, और मी टीवी की तरह जितने भी उसमें फंक्शनैलिटीज़ है वो सारी फंक्शनैलिटीज़ को वो भी पूरा करता है, लेकिन उसके अंदर हमें मिलते हैं 2 बहुत ही एडिशनल और काम के फीचर्स। तो पहला फीचर हमें मिलता है एक एयर माउस का फीचर, जिसके अंदर आप इस रिमोट को एज अ एयर माउस यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जब आप ब्राउज कर रहे हैं या फिर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो उसको आप एज अ माउस यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी कन्वीनियंस हमें देता है। जबकि जो दूसरा फीचर हमें मिलता है वो है वॉइस सर्च का। तो आई फैल्कन के रिमोट को यूज़ करके आप डायरेक्टली रिमोट को यूज़ करके वॉइस सर्च भी कर सकते हैं, जो कि अगेन आपको एक एडिशनल कन्वीनियंस देता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही के सॉफ्टवेयर की। तो मी टीवी के अंदर हमें मिलता है कस्टम OS जिसका नाम है पैचवॉल, और पैचवॉल जो है वो एक अच्छा और सिंपल इंटरफेस है, लेकिन अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है और काफ़ी उसमें अभी भी बग्स और वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं आई फैल्कन जो है उसमें हमें मिलता है एक एंड्रॉयड सर्टिफाइड वर्जन M जो कि 7.1 न्यूगेट पे बेस्ड है, और उसके अंदर हमें सभी तरह की जो है गूगल की सर्विसेज मिल जाती है, यानी कि गूगल प्ले, गूगल म्यूज़िक, गूगल गेम्स, प्ले स्टोर, यूट्यूब, सब तरह के जो गूगल के ऐप्स हैं वो हमें उसमें मिल जाते हैं। और साथ ही उसके अंदर हमें, जैसे मैंने कहा कि एक डेडिकेटेड प्ले स्टोर मिल जाता है, गूगल प्ले स्टोर, जहाँ से आप कोई भी ऐप को चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मी टीवी के अंदर पॉसिबल नहीं है। वहीं क्योंकि ये एंड्रॉयड सर्टिफाइड है, इसके ऊपर यूट्यूब का एक प्रॉपर ऐप हमें मिलता है और वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, जबकि मी टीवी पे वो चीज़ वर्क नहीं करती है। वहीं जो अदर स्ट्रीमिंग ऐप्स है जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, इस तरह के जितने भी और जो ऐप्स है वो भी बिल्कुल सीमलेसली जो है इसके ऊपर एंड्रॉयड टीवी के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन मी टीवी के अंदर आपको अमेज़न प्राइम आप यूज़ नहीं कर सकते हैं और कई जगह पे हॉटस्टार नहीं चलता है, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। साथ ही बिकॉज आई फैल्कन जो है वो एक सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी है, तो उसके अंदर आपको गूगल का सर्च ऑप्शन भी, वॉइस सर्च का ऑप्शन भी मिलता है, जैसा कि उसके रिमोट में हमें ऑप्शन मिलता है, तो आप गूगल की
वॉइस सर्च को भी यूज कर सकते हैं और उधर से डायरेक्टली आप कंटेंट को या कोई भी इंफॉर्मेशन को वॉइस से सर्च भी कर सकते हैं, जो कि मी टीवी में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आई फैल्कन में और एक जो इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो है एक बिल्ट इन क्रोमकास्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं मी टीवी के ऊपर भी हमें स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आई फैल्कन में क्योंकि एक बिल्ट इन क्रोमकास्ट है तो स्क्रीन शेयर तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन क्रोमकास्ट होने की वजह से फंक्शनैलिटी हमें मिलती है वो ये है कि लेट से आप यूट्यूब पे या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप उसको डायरेक्टली आपके फ़ोन से स्क्रीन पे कास्ट करते हैं, उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो फ्री हो जाता है, आप उसको चाहें तो उसकी जो स्क्रीन है उसको ऑफ करके रख सकते हैं, यानी कि आपको आपका जो फ़ोन है वो वहाँ पे एंगेज रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फंक्शनैलिटी हमें मिलती है क्रोमकास्ट के बिल्ट इन क्रोमकास्ट की वजह से। तो स्क्रीन मिररिंग और क्रोमकास्ट की जो कास्टिंग फीचर है उन दोनों में ये एक डिफरेंस है, तो वो हमें मी टीवी के ऊपर स्क्रीन मिररिंग मिलती है, जबकि आई फैल्कन के ऊपर हमें स्क्रीन मिररिंग के साथ साथ में क्रोमकास्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। वहीं बात करें मी टीवी के इंटरफेस की, तो मी टीवी के इंटरफेस में भी हमें एक ऐसा फीचर मिलता है जो हमें इस आई फैल्कन के इंटरफेस में नहीं मिलता है, और वो है कि मी टीवी का जो इंटरफेस है वो हमारे सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट को अपने ही इंटरफेस के अंदर इंटीग्रेट कर लेता है, जिससे वो सारा कंटेंट हमें उसके इंटरफेस में देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन जो है ये हमें आई फैल्कन के टीवी में देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट मी टीवी के लिए भी है उसके सॉफ्टवेयर में। अब बात करें इसके साथ मिलने वाली एसेसरीज़ की, तो मी टीवी के अंदर अगर आपको आपके टेलीविज़न को वॉल माउंट कराना है तो उसके लिए आपको एक एडिशनल 500 रुपीज़ का कॉस्ट पे करना पड़ता है वॉल माउंट के लिए, जबकि आई फैल्कन के अंदर हमें ये वॉल माउंट कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ चार्ज मिलता है और इंस्टॉलेशन दोनों ही कंपनी की तरफ से फ्री में। अब बात करें इसके वारंटी की, तो वारंटी के मामले में मी टीवी के अंदर हमें मिलता है एक साल की फुल वारंटी प्लस एक साल की पैनल के ऊपर एडिशनल वारंटी, जबकि आई फैल्कन में हमें सिर्फ वन ईयर की फुल वारंटी हमें मिलती है। तो वारंटी के मामले में मी टीवी जो है वो आगे निकल जाता है। और लास्ट में बात करें इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के अंदर बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि मी टीवी का जो डिज़ाइन है वो आई फैल्कन के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो उसमें थिन पैनल हमें मिलता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन के अंदर मी टीवी जो है वो आई फैल्कन को पूरी तरीके से बीट करता है। तो ये थे दोनों के बीच के कंपैरिजन कि दोनों के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो मी टीवी इज़ अ गुड प्रोडक्ट, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, लेकिन आई फैल्कन की जो फंक्शनैलिटी और जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी हमें उसमें मिलती है और थोड़े बहुत जो हमें हार्डवेयर फीचर्स भी जो उसमें एडिशनल मिलते हैं वो उसको बनाते हैं एक बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू मी टीवी। तो अगर मेरी पर्सनली बात करूँ तो मुझे आई फैल्कन का K2A टीवी जो है वो ज़्यादा पसंद आया या वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है एज़ कम्पेयर टू मी टीवी। बाकी आपकी ये चीज़ अपने सबकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो आप ले सकते हैं डिसीजन कि आपको दोनों में से कौन सा टेलीविज़न लेना है। तो अगर दोनों ही टेलीविज़न में से कोई आप लेना चाहते हैं तो दोनों ही की बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज आपके साथ शेयर करने के लिए, मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आती है तो इस वीडियो को एक ज़रूर से लाइक दीजिएगा, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी मिल सके ये इन्फॉर्मेशन। और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है इन दोनों टेलीविजन्स को लेके या और कोई टेक रिलेटेड क्वेरी है तो वो पूछिएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही दबाइएगा उस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।